everyone, my name is Stuti and I get to say this line after a long time. Releasing in a cinema hall near you. Yes, it's Akshay Kumar to the rescue. Bell Bottom becomes the first major Bollywood film to have a theatrical release post the deadly second wave. Kya batao is film ke baare mein aapko? 1980s में बेस्ड है, बैकड्रॉप है इंडियन एयरलाइंस हाईजैकिंग का बाय एंटी इंडिया फोर्सेस। बट एक्चुअली ना, दिस फिल्म बिलोंग्स टू द अक्षय कुमार जॉनर। इसमें क्या होता है? फर्स्ट फ्यू मिनट्स सेट असाइड फॉर अक्षय कुमार की एंट्री, उसके बाद अक्षय कुमार की डेयरडेविलरी, उसके बाद इंटरवल आता है, अक्षय कुमार नंदू को झाड़ते हुए नजर आते हैं, फिर वो वापस आते हैं और सब ठीक कर देते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ अक्षय कुमार। इस फिल्म में भी उनकी एंट्री ऐसी होती है, बॉस बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, आदिल हुसैन सेस एक इंसान ऐसा है जो केस से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है। ऑन क्यू अक्षय कुमार स्लो मो एंट्री, सारा फोकस उनके बेल बॉटम्स पे जो उन्होंने पहना है। आपको लगेगा फिल्म का नाम इसीलिए रखा गया है, नहीं यार, सीक्रेट एजेंट है तो ये उनका कोड नेम है। व्हाट इज हाउएवर नॉट अ सीक्रेट इज हाउ अमेजिंग अंजुल मल्होत्रा अर्थात बेल बॉटम दिस कैरेक्टर इज। सब आता है इसको, चेस खिलवा लो, गाना गा सकता है, अलग अलग भाषाओं में बातें करवा लो, फोटोग्राफिक मेमोरी है, बस ट्रेनिंग में पता चलता है कि फिजिकल में थोड़ा वीक है। बट वन सॉन्ग हियर, वन मोंटाज देयर एंड बेल बॉटम इज रेडी। डायरेक्टर रंजित तिवारी प्रिसाइड्स ओवर मेनी फ्लैशबैक्स, 79, 83, 84, बीच में तो इट्स डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक कि कौन से वाले हाईजैकिंग की बात हो रही है। बट ऑल दिस इज बीइंग डन कि हमें कॉन्टेक्स्ट मिले कि क्यों बेल बॉटम यानी कि अक्षय कुमार इज सो पर्सनली इन्वेस्टेड इन हाईजैकिंग्स। ठीक है, इसका जवाब हमें मिल जाता है, थैंक यू वेरी मच। पर जिस चीज का जवाब कभी नहीं मिलेगा वो ये कि अक्षय कुमार एंड उनकी ऑन स्क्रीन मदर डॉली अहलूवालिया तो लगते हैं लाइक दे आर इन द 80s, कपड़े स्टाइलिंग ऐसी है। पर वानी कपूर जो अक्षय कुमार की वाइफ है, व्हाई इज शी कैटवॉकिंग इन 2021 फैशन? लाइक उनके कपड़े, मेकअप, उस पे किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया, भूल गए। अब देखो अक्षय कुमार जॉनर की फिल्म ऐसे ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए, है ना। मूविंग ऑन, दिस फिल्म वाज इन न्यूज फॉर लारा दत्ता's लुक। नाउ इफ नोबडी टेल्स यू इट्स टफ टू रियली सी हर बिकॉज़ यू कांट। प्रोस्थेटिक्स, मेकअप और विग के साथ शी लुक्स इंदिरा गांधी। अब फिल्म क्योंकि ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है जिसे फिक्शनलाइज किया है, आई अंडरस्टैंड दे वांटेड समबडी टू लुक लाइक मिसेस गांधी बट आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट। बड़ी मेहनत की, मोस्टली शी लुक्स डिस्प्लीज्ड बिकॉज ऑब्वियसली चीज़ें खुश होने वाली तो है नहीं, फ्लाइट हाईजैक हो गई है। पर लारा दत्ता की ऑलवेज से कि मैं तो एक्सप्रेशन दे रही थी, प्रोस्थेटिक्स की वजह से आप लोगों को दिख नहीं रहा था। अब जब वो मीटिंग्स कर रही होती हैं तो बड़े सारे दिग्गज हैं और उनमें से एक कैरेक्टर है R.N. काओ प्लेड बाय डेंजल स्मिथ। इन द मूवी ही इज नॉट अलाउड वन लाइन, लाइक साइड लाइन। पर ये है फाउंडर ऑफ रॉ एंड इफ यू रीड अबाउट R.N. काओ इट इज सो फैसिनेटिंग दैट द फर्स्ट हाफ ऑफ बेल बॉटम टेल्स इन कंपैरिजन। और ये कहानी हाथ लग गई ना अक्षय कुमार की तो आपको पता है कौन होंगे लीड। अब ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं था, सम बिट्स आर इंटरेस्टिंग। असीम अरोड़ा एंड परवेज शेख की कहानी कुड हैव वर्क्ड ब्रिलियंटली एज अ ग्रिपिंग हॉस्टेज ड्रामा बट अफसोस अक्षय कुमार जॉनर एयरस्पेस में ये फ्लाइट शुरू से ही हाईजैक हो गई। अब वी कुडंट इवन स्पेंड दैट मच टाइम विद द हॉस्टेजेस बिकॉज अक्षय कुमार अंदर नहीं बाहर है, वो जहां हम वहां। फिल्म की प्रिंसिपल विलन आईएसआई हाईजैकर बने जैन खान दुरानी। नाउ वी हैव सीन हिम इन प्रीवियस फिल्म्स लाइक कुछ भीगे अल्फाज एंड शिकारा एंड ही हैज दिस अरेस्टिंग स्क्रीन प्रेजेंस। पर यहाँ ज्यादा अलाउड नहीं था ना, अक्षय कुमार के सामने लिमिट में रहना था। फिल्म में हुमा कुरैशी भी हैं एंड इनके किरदार की वजह से दिस इज अ मेजर ट्विस्ट दैट हैपेंस एट द एंड बट इट्स एन एक्सटेंडेड कैमियो एंड वेदर इट्स हुमा और आदिल हुसैन दीस आर गुड एक्टर्स। बट ये फ्लाइट हाईजैक्ड है और सबको अपनी हद में रहना है which is fine। पर एक और हैरानी वाली चीज ये है कि फिल्म में दबा के दुबई की तारीफ हुई है। Now the first time it happens you're like okay fine, but फिर second and third and you're like क्या है, प्यार है, PR है, what is it? But whatever it is, Dubai people will really enjoy watching this movie. अच्छा, I saw the movie in 2D. आप 3D में भी देख सकते हैं। Climax में there's a raging sandstorm and I'm just guessing that probably all that action looks good on 3D. But what's the point? बाकी चीजें तो वही रहेंगी ना। Like आप चाहते हो कि थोड़ा suspense हो यार, थोड़ा edge of the seat kind of thriller हो, but ऐसी पिक्चरें कैसे खत्म होती है ये बात हमें अब तक रट चुकी है. ऑल्सो द मेकर्स बिलीव कि फिल्म जब तक खत्म हो रही है तब तक आपको और मुझे इमोशनल हो जाना चाहिए. तो या तो आप चुपचाप खुद इमोशनल हो जाओ, वरना वहाँ पे देशभक्ति का गाना, नेशनल एंथम सब चलता है टू टेल अस कि क्या कर रहे हो, रो थोड़ा, थोड़ा रो देना, उसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है. बेल बॉटम इज येट अनदर फिल्म इन अक्षय कुमार फिल्मोग्राफी जहाँ पे ही इज प्लेइंग एन इंडियन सेविंग अदर इंडियंस. ये टेम्पलेट अगर आपको पसंद है प्लीज गो वॉच इट. वैसे भी I am a fan of watching films on the big screen, तो पॉपकॉर्न लेके अगर मजे करने आप कर सकते हैं. वैसे दे रही हूँ 5 में से 2.5 क्विंट्स. बाकी आई होप दिस रिव्यू वॉज हेल्पफुल. डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द क्विंट. अच्छे वाले कॉमेंट्स कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. ऑल्सो आई हैव माई पेज ऑन फेसबुक, इट्स कॉल्ड स्तुति ऑन द क्विंट. मेक श्योर यू लाइक इट सो दैट यू नो क्या देखें और क्या अवॉइड करें.